विराट, पता नहीं मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, हम सब क्या करते विराट, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ थे। हॉस्पिटल में सब लोग तुम्हें श्रुति का पति बता रहे थे, उस बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट पर पाप का नाम तुम्हारा था विराट सवान। ये सब देखते हुए हमारा विश्वास डगमगा गया। तो क्यों डगमगा जाए, वो विश्वास ही क्या, मैं तो आपके लिए मर चुका था ना। यही कहा था ना आपने, मैं इससे भी ज्यादा आपने कुछ कहा था। आप सोच लेंगे कि आपका कोई बेटा था ही नहीं। विराट, आपने मुझे अपने घर से, अपने दिल से, अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया था, जब मुझे सबसे ज्यादा आपके विश्वास की जरूरत थी। अकेला छोड़ दिया मुझे, तब आपकी चिंता सिर्फ इतनी थी कि उस श्रुति को जेल हो जाए। हो गई जेल उसे। आपका मकसद पूरा हो गया पापा, अब मेरा सिर्फ एक मकसद है, यहां तुम्हारे साथ रहना और तुम्हारी देखभाल करना। हम सब समझ गए बेटा कि ये सब तुमने क्यों किया था, सब साफ हो गया है। ऐसे कैसे एकदम सब साफ हो गया? जब मैंने ड्यूटी ज्वाइन की थी उसके एक दिन पहले आपने मुझसे कुछ कहा था। एक बात हमेशा याद रखना, फर्ज से बढ़कर और कुछ भी नहीं, ऑलवेज ड्यूटी फर्स्ट। मैंने अपनी सिर्फ ड्यूटी निभाई थी, दो मासूम जिंदगियों को बचाने की ड्यूटी, अपने इस परिवार को खतरे से दूर रखने की ड्यूटी, और इसके बदले आपने मुझे मेरे छाती पर इतना बड़ा मेडल लगा दिया और उस पर सुनहरे अक्षर से लिख दिया कि आपको मेरा बाबा कहलाने में शर्म आती है। रोज भगवान को कोस रहे थे आप कि मैं क्यों आपका बेटा हूं। अपना फर्ज निभाने का आपने कितना अच्छा इनाम दिया है ना मुझे, ये सब आपको याद है या आप भी ओमी काका की तरह सब कुछ बुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं? मुझे आप सब से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, आप सबकी खामोशी चीख चीख कर मेरे सवाल का जवाब दे रही है। चले जाइए सबके सब यहां से, कोई नहीं चाहिए मुझे यहां पर। गुड़ू, आप कौन है? मैं आई हूं तुम्हारी। हाँ, आई है आप मेरी, शायद इसीलिए आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। शायद मैं ही आपका बेटा हूं क्योंकि आपने मुझ पर ही शक शक किया, अरे कम से कम अपने अपने ही परवरिश पर भरोसा कर लेती। एक आप ही तो थी जो मुझे सबसे ज्यादा समझती थी। मैं किसी मुसीबत में आऊं उससे पहले आप समझ जाती थी मेरा दर्द। तो फिर इस बार क्या हुआ? जब मेरी सही से शादी हुई थी, यहां जितने खड़े हैं सब मेरे खिलाफ थे सिवाय आपके। लेकिन आज जो औरत मेरे सामने खड़ी है, तनी कौन है? मेरी आई तो नहीं है। मेरी आई? मेरे कहने से पहले मेरा दर्द, हर दर्द समझ जाती थी। कम से कम अपने खून पर भरोसा कर लिया, अपने सिर्फ मुझे लाड और प्यार से नहीं, उसूलों से भी पाला है। इसे कैसे सोच लिया आपने कि आपका गोड़ इतना गिर जाएगा कि आप ही उसूलों के खिलाफ चला जाएगा? रहने दो ना, ये मेरी गलती का नतीजा है, भुगतना तो पड़ेगा ही ना। मेरी अकल में पर्दा पड़ गया था गुड़ू, जो मैं अपने बच्चे को पहचान नहीं पाई हूँ, शक किया मैंने। हे देवा, कैसी आई हूँ मैं, जो अपने बेटे को मन की आंखों से नहीं दुनिया की आंखों से देख रही थी। बहुत गलत किया मेरे गुड़ू, बहुत गलत किया, बहुत बुरा भला कहा तुमने, शक किया तुमको, इन हाथों से मेरे मोरो, बहुत गलत किया, बहुत। मामी 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 मामी
मामी तू क्यों चुप खड़ा है? बोल ना तू कुछ, तेरी तो हर कई बात सही हो जाती है। देख मैं हॉस्पिटल में पहुंच गया, वो श्रुति जेल में। बोल ना तू कुछ। ओमी काका और सोनाली काको हमेशा कहती थी कि तुम मेरा दादा जैसा बन जाए। शुक्र मना रहा होगा ना तू कि मेरे जैसा धोखेबाज और कटिया किस्म का इंसान नहीं बना तू। बोल ना। एक शिवा, हम सब जानते हैं कि तू हमसे नाराज है और तेरा नाराज होना जायज है मेरे भाई। गुस्सा करने का हक तो सिर्फ तेरा है ना, इतना दूर क्यों खड़ा है? पास में गला दबा ना। ए शिवा तेरे भाई, भाई कितना मुझे आपको पता नहीं होगा, आप सबको पता क्या कहा था कि अगर भाइयों का तलाक हो सकता था तो मुझे तलाक दे सकता। तुम मेरी बात क्या कर रहे, हाथ मत लगा। गंदी नाली का कीड़ा हूं मैं, तुम लोग जैसे ईमानदार और इज्जतदार लोग गंदे हो जाएंगे। तूने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अकेले ही सारी मुश्किलों का सामना क्यों करता रहा? तुझे अपने जीवा पे भरोसा नहीं था क्या मेरे भाई? अगर तू मुझे पता था तो मैं तेरी सुनता नहीं, तेरी मानता नहीं। तुझे पता है विराट कि मैं तेरे लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। तू एक बार मेरे भाई मुझे बताता, मैं इसमें तेरी मदद करता। मुझे तुझे कुछ भी बताने की जरूरत कब से पड़ गई? एक बार अपने शिवा को जीवा समझ के समझाओ था, तुमने मेरी बेगुनाही का सबूत नहीं बल्कि मेरी लाचारी की वजह समझी होती, पूछ लिया होता। पर तूने मेरी आंखों में जाकर अपना ही जवाब ढूंढ लिया, गलत जवाब। मान लिया कि मैं एक घटिया किस्म का आदमी हूं, धोखेबाज हूं, जिसके साथ बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। रिश्ता तोड़ दिया यार तूने अपना, जीवा शिवाची जोड़ी जीव घेतला रे तू। जीव घेतला रे तू जोड़ी चा। मान लिया कि तेरे दिल में सही के लिए बड़े भाई का प्यार, पर उसी दिल में मेरे लिए इतनी नफरत कहां से आ गई? खैर जाने दे, इन सब बातों से अब कोई मतलब नहीं। याद है तूने स्कूल में मुझे रहीम का एक दुआ सिखाया था, आज वही दुआ मैं तुझे सिखाता हूं। सिखाता नहीं, याद दिलाता हूं। रेमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है, तोड़े से भी ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। आज तेरे और मेरे रिश्ते में गांठ पड़ गई है जो कभी नहीं खुलेगी, कभी नहीं। मर जाने देते मेरे पूरे परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया, सही ने साथ छोड़ दिया, जब मेरे अपनों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है? अगर मुझे सच में सदा का वादा नहीं निभाना होता, अगर श्रुति और साहस को बचाना नहीं होता, उनकी जिम्मेदारी निभानी नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जिंदा भी हूं या नहीं। सही ने उस विराट को नहीं बचाया जिसे आप लोग जानते हैं, सही ने तो सिर्फ एक लाश को बचाया, और सही ने खुद कहा है कि लाश को बचाया नहीं जाता, सिर्फ जाता।
जलाया जाता है। विराट, मत बोलो ना ऐसे, प्लीज मत बोलो, तुम्हारी जान बच गई है ना मेरा, खुद के लिए ऐसे आप शब्द मत निकालो। मेरे मरने के बारे में सिर्फ दुआएं लेने का आपको ही हक है। कितनी आसानी से कह दिया था कि काश मैं उस मिशन से लौटता ही नहीं, तभी मैंने आपसे कुछ पूछा था। आप क्यों रो रही हैं? अरे किस लिए रो रही हैं? अपने मरे हुए बेटे के लिए रो रही हैं? तो आज आप किस लिए रो रही हैं? क्योंकि आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, बदकिस्मती से मैं आज भी बच गया। मैं तो डर गई थी, मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी तुम्हारे सामने आने के लिए कि क्या करूं बेटा, मैं आई हूँ ना तुम्हारे, तुम बेटे हो ना मेरे, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। AI. लोगों की अक्ल पर ताले पड़ते हैं, जजमेंट पर ताले पड़ते हैं, आपकी ममता पर कैसे पड़ गए ताले, मुझे समझ ही नहीं आया। मुझे आपके मारे चाटों ने इतनी तकलीफ नहीं पहुंचाई है जितनी आपकी कही बातों ने। मेरी और निराज की परवरिश का क्या, सारी की सारी परवरिश मिट्टी में मिल गई। अब ये सब कुछ भूल जाओ, भूल जाओ ना, नए सिरे से शुरुआत करते हैं ना। मैं चाहे कितनी भी नई शुरुआत कर लूं, आप सबकी दी हुई बद्दुआएं हमेशा मेरे साथ रहेंगी। आप सब यही चाहते थे ना कि मैं कभी खुश ना रहूं। भगवान मुझे मेरे कर्मों की सजा दे। यहाँ खड़ा हर शख्स यही चाहता था कि मैं हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाऊं। तो फिर ये मुझे जिंदा देखकर यह इतने खुश क्यों दिख रहे हैं आप लोग? आप लोग को मातम मनाना चाहिए, आप सबकी इच्छाएं मार डाली है मैंने। प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, अकेला छोड़ दीजिए मुझे। विराट शांत हो जा बेटे, हम कुछ नहीं कहेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा बेटे। तो फिर क्यों बचाया मुझे? शांत हो बेटा, प्लीज शांत हो। मर जाने देते ना, जब मन की इच्छा यही थी कि मैं मर जाऊं, तो डॉक्टर से क्यों कहा मुझे बचाने के लिए? मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं एक लाश हूँ, लाश, मैं लाश हूँ, एक लाश हूँ। सादा नहीं, क्या कर रहे हो डॉक्टर? डॉक्टर अगर नहीं दादा, सब क्या हो रहा है? अकेला छोड़ दो मुझे, अकेला छोड़ दो, सबको निकालो यहाँ से, प्लीज। आप लोग प्लीज बाहर जाइए, इन्हें अकेला छोड़ दीजिए। एंड सिस्टर, बिना मेरे परमिशन के कोई अंदर नहीं आएगा, इज दैट क्लियर? यस सर। गेट द इंजेक्शन रेडी क्विक। डॉक्टर, अकेले रहना है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।